खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां सीबीएस स्कूल की प्रिंसिपल निशा सेंगर ने फीस न भरने पर एक छात्र की डंडे से पिटाई कर दी। पीड़ित ने बताया कि 11वीं और 12वीं की कोचिंग दिए बिना ही पैसे मांगे जाते हैं। साथ ही जब वह प्रिंसिपल से अपनी 11वीं की मार्कशीट मांगने गया तो निशा सेंगर ने अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर उसे बुरी तरह पीटा। सूत्रों के मुताबिक निशा सेंगर इससे पहले भी कई बार नेताओं की धमकी देकर कई बच्चों की पिटाई कर चुकी है, लेकिन किसी बच्चे ने आवाज नहीं उठाई। वहीं इसके बाद पीड़ित ने हजीरा थाना जाकर निशा सेंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और हरिजन एक्ट के तहत भी मामला दर्ज करवाया। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां पे एक प्रिंसिपल के द्वारा सीबीएस स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा, जिनका नाम निशा सेंगर है, एक बच्चे को पीटा गया है डंडे से। बच्चे का आरोप है कि उन्होंने 11वीं और 12वीं की कोचिंग दिए बिना ही उनसे पैसे मांगे हैं, और जब वो विद्यार्थी गया 11वीं की मार्कशीट लेने तो शिक्षक ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी डंडे से। सूत्रों की माने तो निशा सेंगर ने भी बहुत नेताओं की धमकी देकर कई बच्चों की पिटाई कर चुकी है, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाने की कोशिश की। वही इसके बाद इस पीड़ित के ने जाकर थाने में निशा सेंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और हरिजन एक्ट के तहत भी मामला दर्ज करवाया है। आज मैं अपनी आज 11वीं की मार्कशीट लेने गया था सीबीएस गवर्नमेंट स्कूल नवीन पार्क के सामने काजमिल रोड। कौन सी सन पास किया था आपने? 23। 23 में आप काय में आ गया? अभी मैं 12th निकल चुका हूँ। फिर क्या हुआ? मार्कशीट लेने गया था 11th, जिसकी पूरी फीस जमा थी। मैंने 11th की मार्कशीट मांगी है, जब 12th की मैंने प्रिंसिपल से मांगी है, निशा सेंगर। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा कि 12th, जबकि मैंने 12th की आधी फीस भर दी है, और जबकि 12th और 11th की कोचिंग क्लासेस वगैरह कुछ नहीं दी गई है हमको, फिर भी मैंने पूरी पूरी फीसा भरी है। 12th की आधी रह गई थी फीस, फिर मैंने कहा मैम 11th की फीस पूरी जमा है, मेरे को 11th की मार्कशीट दे दो। वो ना देने पे बहस बहस हुई है, फिर मैंने फ़ोन लगाने के लिए मोबाइल निकाला 181 पे, मेरे से मोबाइल छीना गया और मारपीट की गई है, और जारी बात पे गंदी गंदी गाली दी गई है। प्रिंसिपल मैम थी निशा सेंगर, राकेश सर, एक रजनी मैम, ये 22 प्रिंसिपल हैं, और 22 प्रिंसिपल है ये दो मैम। अब नाम बता दे निशा, इन लोगों ने हाथों लातों और डंडे सबसे मारा है। बेटा है ये मेरा भाई है बड़ा वाला। आपको कैसे पता पड़ा बताएं? मुझे इसने फोन लगाया घर पे, पहले बेटी आई, बेटी ने मुझे फोन किया, मम्मी यहाँ आओ, बहुत ज्यादा उसकी मारपीट कर दी है भाई की, और उसको पुलिस वाले को बुला लिया इन्होंने कि वो सीधा जेल जाएगा तुम्हारा भाई। तब बात होगी, अभी कुछ बात नहीं होगी। वहाँ से तो कहा, देख रही थी मैं, देखने को ही नहीं दे रहे थे मुझे, इसको अंदर करे हुए थे, बोले मैडम लोग बंद कर लिया था अंदर, कहना ऑफिस में बंद करके रखा कर लिया था, ऑफिस मतलब में बंद नहीं, एक तरीके से गेट मतलब रूम के अंदर करके रखा था, उनको जो मेन ऑफिस है और वहाँ पे खुद खड़े हुए थे दोनों मैडम प्रिंसिपल, उनसे बोला कि बाहर प्रिंसिपल और जो वो उनके वो जो वाइस प्रिंसिपल वगैरह है वो सामने मतलब खड़े हुए थे कि अंदर से ये निकलेगा नहीं अंदर से, और इन्होंने बेटे को नहीं आने बोले, वो आ गई है पुलिस, आ गई है वो आगे, मैंने बुलाया है 100 नंबर पे, हाँ फिर हमको 100 नंबर लेके आई, उन्होंने भी कहा वीडियो कि बेटे की गलती नहीं है, गलती कहाँ है, तो उन्होंने जब वीडियो खुद देखा तो उन्होंने खुद बोला चलिए आप खुद थाने चलिए, और मैम से भी बोला कि आप भी चलना चाहेंगे, उन्होंने बोला आप चलो आपकी गलती मैडम मेडिकल करा लो, तो हमने उसकी कंडीशन देखी, तो जाहिर सी बात है उसकी कंडीशन में दिख रहा है साफ साफ कितनी चोटें आई हुई है उसको। मेरा स्कूल है और काफ़ी समय से चल रहा है, अगर ST OBC स्कूल में कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं। मैं किसी बच्चे का एडमिशन करती हूँ या कि स्कूल में इतने बच्चे पढ़ते हैं, किसी को प्राइज देती हूँ या कोई भी काम करते हैं, मैं उससे ये थोड़ी पूछती हूँ तुम ST के हो कि OBC के हो या जनरल हो, मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं सर। यहाँ मेरे को ST OBC से कोई लेना देना नहीं है किसी भी तरीके का, CBSE नहीं है सर, MP बोर्ड है। एक और बात मैं कहना चाहूँगी सर एक मिनट, आप भी एक बार, है ना, उसके अगर स्कूल खराब था और उसको हरिजन इसी तरीके की कोई समस्या थी, तो उसके चारों भाई बहन मेरे यहाँ पढ़े हैं, उसकी सबसे बड़ी बहन भी यहीं पढ़ी, छोटी भी पढ़ी, उसका भाई भी पढ़ा, और ये तो सबसे छोटा है और ये भी यहीं पढ़ा, अगर स्कूल से समस्या थी तो क्यों पढ़े नहीं, प्ले ग्राउंड क्यों नहीं है सर? नहीं, MP बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं MP बोर्ड
बोलो ना, बोलो ना। सर स्कूल तो बहुत पहले से चल रहा है ना, अब ये सब जानकारी जो स्कूल के डायरेक्टर होंगे वो बता पाएंगे, है ना। मैं तो स्कूल संचालित कर रही हूँ और काफी समय से और अच्छा चल रहा है, कोई कंप्लेंट नहीं है अभी तक। ये पहला बच्चा है जिसने उठते ही टीचर को मार ही दिया है ना, आज तक किसी बच्चे को इतना नहीं है, सब इतने रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। नहीं सर, मैं अपने ऑफिस में था, ये मैडम बाहर, दो मैडम बैठी थी, ये रजनी मैडम और ये यहाँ मैडम। तो ये बच्चा आया, विवादित हो रहा था, मैं सुन रहा था अंदर, मैं अपना काम कर रहा था, फॉर्म भर रहा था बोर्ड के। तो विवादित मौक़ात में एकदम बहुत चिल्लाटे की आवाज़ आई, मैंने देखा कि मेरी मैडम का बच्चा, वो जो है ध्रुव नाम का लड़का आया, तो जो है बच्चे मैडम का जो गला पकड़ा था भयंकर, मैडम को दो तीन मैडम को हाथ छोड़ा हुई छाट निकाल रही थी, मगर वो छोड़ा नहीं सका। तब मैं देखा, अरे जो तो बहुत जबरदस्त पकड़ा है उसका गला। तो मैं जब उसको दोनों हाथ खींच के ये चाटा, मैंने उसको मारा, मैंने उसको मारा भी है, तब उसने हाथ छोड़ा है। ठीक है, अभी ये जो स्कूल का छात्र है ध्रुव आर्य, जो कांचमिन क्षेत्र के रहने वाले हैं, CBSE स्कूल नवीन पार्क के पास में, अपनी 11वीं की मार्कशीट लेने गए थे और मार्कशीट फीस जमा करने के लेकर के स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके साथ में विवाद होने से मारापीटी किए हैं। तो इनकी रिपोर्ट पर निशा सेंगर और रजनी और राकेश के खिलाफ में मुकदमा कायम हुआ है। मारपीट की है और SC/ST की धारा लगी है। हाँ, हाथ में और पैर पे, पीठ पे, सिर में, शरीर के अन्य भागों में जो चोटें आई हैं उसका हम लोगों ने मेडिकल परीक्षण कराया है, उसके आधार पे धाराओं का इजाफा करके दूसरा पक्ष भी निशा सेंगर है, वो आई कि लड़का जो मार्कशीट लेने आया था अब सब बोला और गाली गलौज करने लगा, इस बात को लेकर के मना करने पर मेरा गला पकड़ लिया और मेरे साथ में मारपीट की है, उनके तरफ से भी हम सुनवाई कर रहे हैं।